हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके चलती हूँ ठाकुर नर्सरी में। और यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में बहुत ही सुंदर प्लांट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए, रेड वाला बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आपके घर में ऐसे ही रहेगा। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट। और इस तरफ जो है इंडोर प्लांट रखे हुए थे, जैसे कि मनी प्लांट, क्रोटॉन और जिन और थोड़ा शेड जिन प्लांट्स को चाहिए रहती है, जो इनडायरेक्ट सनलाइट में होते हैं। और इस तरफ आके तो मेरा दिल ही खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मुझे दिख रहे थे फ्लावर्स के, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सुंदर लगे। एंड आई गेस ये जर्नियम के फ्लावर थे। जर्नियम में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, पिंक, लाइट पिंक, रेड। एंड विंटर्स की शान जो है वो है ये गुलदावरी। और गुलदावरी आपको आजकल हर हर नर्सरी में मिल जाएंगी, पर आई बेट यू इतनी सुंदर गुलदावरी और इतनी भरी भरी गुलदावरी आपको बस यहीं पे मिलेगी। और ये भी इसका कॉस्ट एकदम बहुत ही कम, मतलब 100 रुपीज़ में आपको इतना भरा हुआ प्लांट मिल जाएगा, जिसमें कम से कम 50-60-70 फूल तो मैक्सिमम होंगे ही होंगे। और उसमें भर भर के गुलदावरी आ रखी है, और येलो, पिंक, रेड, मरून, ऑरेंज। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा लेना है। और देखिए, आप जब भी प्लांट लेते हो ना, ये वाला ले जिसमें बहुत सारी बर्ड्स लगी हुई है। और क्योंकि ये आपको घर जाते हुए आपको खिलेगी, और जो ये खिली हुई रहती है ना, वो आप ले जाओगे तो कुछ दिनों में इसके फूल झड़ जाएंगे। बट अगर आप बर्ड वाले ले जाओगे तो बहुत टाइम तक आपके फूल घर पे रहेंगे। तो हमेशा ये वाले ले जाइए। एंड आई एम लविंग इट। और इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। एंड सीरियसली, इतनी नर्सरी में गई हूँ ना, पर इतनी सुंदर मुझे कहीं पे नहीं दिखी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तो भूल गई मैं कि मुझे लाइक वीडियो बनाना है। मैं बस इनके साथ बैठ गई और इनको देखती रही। फूल, सॉरी, डहेलिया। और कुछ टाइम पर डहेलिया आपको देखो कितने बड़े बड़े डहेलिया हैं। इस तरह से यहाँ पर डहेलिया भी आपको बहुत ही कम रेट में यहाँ पर डहेलिया मिल जाएंगे। ये जो प्लांट है ना, ये आपने घर पे देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से ऑरेंज लीव आती है। तो ये एज अ डेकोरेशन आप घर में लगा सकते हो। अब बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, अगर सॉइल में लगाओगे तो बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा, और थोड़ा ग्रीनरी रेडिश कलर ऐड करते हैं आपके गार्डन में, तो बहुत सुंदर लगता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस डहेलिया। और अगर आप प्लांट लवर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये कितना सुंदर लग रहा है, थैंक यू आपकी। और ये कितना सुंदर लग रहा है आपकी तरह, थैंक यू। इंडोर प्लांट है, आपको एरिका प्लांट मिल जाएगा, आपको क्रिसमस ट्री मिल जाएगा, आपको हाँ मोर पंखी भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, एरिका प्लांट वैसे बहुत सुंदर है और एकदम गुच्छे में भरी भरी हुई हैं। बहुत सारे कलर्स में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही अच्छे यहाँ पे गुलदावरी है, बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप स्पेशली गुलदावरी लेने जा रहे हो तो पूरे देहरादून में आपको सबसे अच्छी यहीं पे घनी एकदम गुच्छेदार यहीं पे मिलेगी। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ दे रही हूँ, आप बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी नर्सरीज़ में होके आई हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी फॉर गुलदावरी, स्पेशली गुलदावरी के लिए। दो तरह के गुलदावरी हैं, एक तो मरून और एक येलो। कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप दो प्लांट को एक पॉट में करोगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलदावरी भर भर के लगी हुई थी, और तभी मुझे मिले एक सुंदर सा लिली का फ्लावर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लिली भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका फूल जो होता है ना बहुत बड़ा रहता है। इस तरफ ही पूरी रोजेस की पौधे हैं, कार्नेशन फ्लावर यहाँ पे है, डायंथस यहाँ पे है, बहुत सारे आपको फूल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो अभी लग रहे हैं, तो आने वाले एक महीने में आपको पूरी नर्सरी भरी हुई मिलेगी। और कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आ रखी है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आप ले सकते हो किसी भी नर्सरी से फॉर 60 रुपीज़। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।